तो भाई ये रही एक ही फ्रेम के अंदर दो दो क्लासिक। यहाँ पे रॉयल इनफील्ड कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, और अपनी वाली पे रॉयल इनफील्ड का पूरा स्टीकर आता था। उसका शॉकर और उसका शॉकर थोड़ा सा अलग है कि जो इसकी चेसी है और उसकी चेसी है वो भी अलग है। तो कुछ ओल्ड चीजें हैं जो ओल्ड में ही मिलती है, नई वाली में बिल्कुल नहीं मिलती। तो भाई ये रही एक ही फ्रेम के अंदर दो दो क्लासिक। ये है पुरानी क्लासिक, अपनी क्लासिक, और ये है नई क्लासिक, किसी और की क्लासिक। इसीलिए यहाँ पे इसके नंबर हमने हाइड करे हुए हैं, जिससे कि जिनके बुलेट है उनको मतलब पता नहीं क्या वो कह रहे थे, भाई नंबर हाइड कर देना, तो हमने कर दिया। तो इसको और अभी इसको करते हैं कंपेयर, और उससे पहले इन दोनों का एक वॉक अराउंड करते हैं छोटा सा। तो ये नई वाली क्लासिक का साइड प्रोफाइल, और ये रेड एंड ब्लैक कलर में आती है ये वाली। मतलब कलर ऑप्शन तो खैर बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में हमारे पास जो क्लासिक है ये रेड एंड ब्लैक कलर में है। और वहीं अगर इसका रियर प्रोफाइल देखें तो कुछ इस तरीके का, और वहीं अगर अपनी वाली का रियर प्रोफाइल देखें तो कुछ इस तरीके का है। सो अभी हाल फिलहाल में अपनी क्लासिक की कंडीशन कुछ इस तरीके की है, लेकिन अभी हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कितना चेंज आया, डिजाइन में कितना चेंज आया, इंजन में कितना चेंज आया, और सबसे बड़ी चीज भाई अपना यूसीई इंजन है, यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन, और उधर है जे सीरीज इंजन। तो कितना इनके थंप में फर्क है, साउंड में फर्क है, वो आपको लाइव अभी सुनने को भी मिलेगा। बाकी वहीं अगर आप फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो अपनी क्लासिक का फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है, पुराना बिल्कुल क्लासिक 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 का लुक। इसका भी लुक काफी मतलब अलग सा है, इससे तो बिल्कुल ही अलग है। और फ्रंट से अगर देखा जाए तो ये थोड़ी फ्रंट से ऊंची ऊंची सी लग रही है इसके मुकाबले। अब न्यू क्लासिक की फ्रंट से बात करते तो ऐसा कुछ इसका हेडखोल आता है, और टाइगर लाइट, पायलट लाइट कुछ इस तरीके की, या पार्किंग लाइट छोटी छोटी। बाकी यहाँ पे इसका हेडखोल कुछ अलग सी तरीके का है, और ये वाला हेडखोल बिल्कुल ऐसा है जैसा अभी न्यू स्टैंडर्ड या फिर न्यू जो बुलेट 350 है ये उसके जैसा है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। इवन हेडलाइट भी यहाँ पे और उसकी और इसकी हेडलाइट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको ये जो ग्लास है बिल्कुल क्लियर ग्लास मिलता है, और उसके अंदर रिफ्लेक्टर और उसकी लाइट बढ़ाने के लिए कवर भी है, और यहाँ पे एक कैप जिससे रोशनी अच्छी जा सके और इसके लुक को थोड़ा इन्हेंस करा जा सके। बाकी यहीं से और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसके ये शॉकर पाइप भी काफ़ी मोटे हैं इसके, और यहाँ पे अगर इसके इंडिकेटर की बात करें तो थोड़े छोटे से हैं। बाकी यहाँ पे फ्रंट में आपको इसकी डिस्क देखने को मिल जाती है, और वाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स, और यहाँ पे वाइब्री की बैजिंग ऊपर ही है। सो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे 190 का टायर प्रोफाइल जो है वो प्रोवाइड करवाती है, और जो रिम का साइज है वो 19 इंच का ही है। बाकी जो ये शॉकर है और ये अभी भी वैसा ही है जैसे अपनी वाली का है, ये बफ हो सकता है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी है। बाकी अब फ्रंट की बात करते हैं अपनी वाली की, तो इसकी पायलट लाइट, टाइगर लाइट, पार्किंग लाइट उससे थोड़ी बड़ी है और थोड़ा अलग डिज़ाइन है। और मतलब ये तो पुरानी चीज़ है, और पुरानी चीज़ तो आपको पता ही कितनी अलग थी। बाकी इसके हेडखोल का डिज़ाइन पुराने वाले हेडखोल से काफ़ी ज़्यादा मैच आउट करता है, लेकिन जो नए वाला हेडखोल है इसका, इससे बिल्कुल अलग है। बाकी इसकी जो हेडलाइट है मुझे इसका थ्रो पर्सनली पसंद आता है, और यहाँ पे मिंडा का ये ग्लास है, और ये क्लियर ग्लास नहीं है, और इन ग्लास का थ्रो हेलोजन बल्ब में काफ़ी सही था, और है भी मेरी का तो। बाकी यहाँ से और नीचे आते तो ये इसका शॉकर पाइप, ये थोड़ा पतला लग रहा है मुझे उस वाले से, और यहाँ पे शॉकर कवर से नीचे आते तो ये इसका शॉकर, और ये भी वही बफ वाला शॉकर है, मतलब बफिंग हो जाती है इसको फिर ये चमक जाता है। बाकी इसकी डिस्क जो है दूसरी साइड में, और उसकी डिस्क दूसरी साइड में, मतलब उसकी इस वाली साइड में, बट हमारी में इधर मीटर बॉक्स है। और ये रही हमारी डिस्क, हमारी क्लासिक की डिस्क, और ये भी वाइब्री की ही है, इसमें पीछे की साइड में नाम लिखा रहता है, फ्रंट में इधर की साइड में नहीं है, लेकिन वाइब्री का लोगो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए, ये देखो। बाकी वहीं अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो लोगो बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका, और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, और अपनी वाली पे रॉयल इनफील्ड का पूरा स्टीकर आता था। टैंक से और थोड़ा पीछे आते तो यहाँ पे इसका साइड का कवर, डिजाइन इसका और उसका बिल्कुल सेम है, बट चीजें थोड़ी सी अलग है। और ये इसका पीछे का टूल बॉक्स, इसके अंदर यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगाया जाता है, और यहाँ पे क्लासिक की बैजिंग भी है, क्लासिक 350। और यहीं से थोड़ा सा और पीछे आते तो यहाँ पे इसका ये पीछे का शॉकर, इसका शॉकर और उसका शॉकर थोड़ा सा अलग है। बाकी जो इसकी चेसी है और उसकी चेसी है वो भी अलग है। चेसी में फर्क दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये दो दो पाइप आ रहे ऊपर से, इससे इसकी वाइब्रेशन कंट्रोल की गई है, ऐसा मैकेनिक कहते हैं। बाकी जो अपनी क्लासिक की चेसी है वो सिंगल एक डंडे के ऊपर है, यहाँ साइड में इसका जो अपना टूल बॉक्स है अपनी क्लासिक का, तो वो कुछ इस तरीके का है। यही इलेक्ट्रा में आता था और यही पहले स्टैंडर्ड में आता था, और यहाँ पे भी क्लासिक की 350 वेजिंग कुछ इस तरीके की है। बाकी इसका जो ये शॉकर है, ये देखो इसकी जो क्रोम की प्लेट है, ये जो यहाँ पे कवर होता है ये छोटा है, इसका बड़ा है। बाकी यहाँ पे वो छोटा सा जो
सिलेंड्रिकल शेप का ये है, वो चीज इसके अंदर नहीं है। बाकी इसकी जो चेन है पीछे की, इस वाली साइड में दे रखी है, मतलब जे सीरीज में इधर की साइड में चेन आती है और अपनी में इस वाली साइड में चेन आती है। बाकी अगर रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो ये भी 120/80/18 है, मतलब 120 चौड़ाई, 80 इधर से और 18 इंच का ये स्टील रिम इसके अंदर जो है। बाकी अपनी का भी सेम साइज है 120/18/80, मतलब 120 और 80 और 18। बाकी नई वाली क्लासिक का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे गोल सी लाइट और ये छोटे छोटे इसके इंडिकेटर क्रोम वाले। बाकी जो यहाँ पे इसकी टेल लाइट है वो भी गोल है और यहाँ पे भी ये दोनों इंडिकेटर लगे हुए हैं। बाकी मुझे यार पर्सनली ये थोड़ी बोल्ड बोल्ड लगती है, और अब या तो ये अपनी है इसलिए, या फिर ये चीज़ मुझे पसंद थी और बहुत लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद है इसके मुकाबले, बट मुझे स्टैंडर्ड इससे ज़्यादा पसंद है। बट मुझे BS3 मिल नहीं रही थी, मैंने इसलिए परचेज़ करी, अपनी BS3 है, बट ये BS6। वहीं अगर हम इनकी सीटों की बात करें तो इसकी सीट भी अलग अलग है और इसकी भी सिंगल सीट नहीं, स्प्लिट सीट है। तो सीटों में मतलब डिज़ाइन में हल्का फुल्का कुशन में चेंज करा है, इसकी सॉफ्ट है और इसकी थोड़ी सी हार्ड हो गई है, और भाई पुरानी भी है तो एजिंग भी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है इस चीज़ का। बाकी अपनी सीट में यहाँ पे स्प्रिंग है, क्लासिक की जो सीट है अपनी पुरानी वाली, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वाली साइड से आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो ये डायरेक्ट कसी हुई है बट इसका कुशन अच्छा है। बाकी वहीं अगर अब इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ से और वहाँ से जो बाइक है थोड़ी सी अलग है, मतलब जैसे उधर से अलग थी ऐसे इधर से भी अलग है, और जो जे सीरीज इंजन है वो थोड़ा मतलब भरा भरा सा है, और ये इतना भरा भरा सा नहीं है, थोड़ा खाली खाली फील होता है, क्योंकि ये है UC इंजन और इसकी सेल्फ की मोटर इधर और उसकी उधर है, तो इंजन पे भी नहीं जाते, इंजन को साइड में रखते हैं। इंजन की बात थोड़ी देर बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इन दोनों के, ये जो कंसोल है इसकी, तो यहाँ पे पूरी स्पीड आपको 160 किलोमीटर की देखने को मिलती थी। यहाँ पे हाई बीम का इंडिकेशन आता था, यहाँ पे न्यूट्रल का, और यहाँ पे इंडिकेटर का, और ये यहाँ पे इसका एम्प मीटर, और ये ऐसे 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 हिलता रहता था, मतलब एक अलग सा ही फील था इस चीज़ में। बाकी यहाँ पे अगर इसकी ग्रिप्स की बात करें तो अभी भी कंडीशन इसकी काफ़ी ठीक है, और ये इसकी क्लच, और यहाँ पे ये पासिंग का स्विच, ये हाई बीम लो बीम का स्विच, ये इंडिकेटर का, और ये हॉर्न का, और इधर की साइड में इंजन कोइल स्विच बटन, और ये हेडलाइट ऑन ऑफ करने का, और ये सेल्फ का। बाकी ऐसा सा कुछ इसका मास्टर सिलेंडर आता था, और देखो इस पे भी वाइब्री की वैजिंग हो रखी है। बाकी वहीं अगर हम उसकी बात करें, मतलब नई क्लासिक की, तो इसका कंसोल कुछ इस तरीके का है, और उससे पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसके ग्रिप थोड़े सॉफ्ट हैं, और ग्रिप इसकी थोड़ी अलग सी है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी, और उसकी थोड़ी हार्ड सी है, तो मतलब उसका एक अलग सा ही फील है यार, मतलब उसकी फील जो है वो शब्दों में मुझसे बयान नहीं होते, साफ सी बात तो ये है। लेकिन जो ये है ये बिल्कुल अलग ही चीज़ है। यहाँ पे ये जो इसका स्विच है, ये पासिंग का, और ये हाई बीम लो बीम का, और ये इंडिकेटर का यहाँ पे, और ये हॉर्न का, और ऐसी ऐसी कुछ इसकी क्लच है, और ये चीज़ मुझे पर्सनली पसंद है। वो क्यों, जब ज़्यादा राइड करते हैं तो ये चीज़ हाथों में नहीं लगती है, बट ये चीज़ अपने हाथ को काला कर देती है, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। बाकी यहाँ पे इसका ये इंजन किल स्विच बटन, और उसी के अंदर सेल्फ का, और यहाँ पे ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच है यहाँ पे, जो इस वाले मॉडल के अंदर मिसिंग है। इस वाले मॉडल में ये चीज़ बाहर से लगवानी पड़ती थी, और इस मॉडल में ये पहले से ही आती है, और जो बुलेट 350 है उसमें और इसके जो फीचर है भाई बिल्कुल सेम लग रहे हैं मुझे। बट इसको ऑन करते हैं तो इसका मीटर कुछ इस तरीके है, देखो ये भी 160 तक है, और यहाँ पे इंडिकेटर का इंडिकेशन, बैटरी का, ABS का, और फ्यूल का, और यहाँ पे टैंक में कितना फ्यूल है, वो ट्रिप वगैरह सारी यहाँ पे आती है, और ये चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आ गया टाइम, ये कितने किलोमीटर चल चुकी है, ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, एफ ट्रिप, मतलब तीन ट्रिप इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहीं से ये लॉक भी होते हैं भाई, ये देखो हो गई ना। बाकी अपनी वाली पहले यहाँ से लॉक करो, फिर यहाँ से लॉक करो, तो कुछ ओल्ड चीज़ें हैं जो ओल्ड में ही मिलती है, नई वाली में बिल्कुल नहीं मिलती। बाकी अब इसकी आवाज़ सुनाई जाए, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले इसमें सेल्फ मारते हैं, क्योंकि इसमें तो किक आती नहीं है जे सीरीज इंजन में। तो ये बाइक हो गई स्टार्ट, कुछ आवाज़ आपको सुनाई दे रही है इसकी, और ऐसा कुछ इसका साइलेंसर हो, कितना साइलेंट है भाई साइलेंसर, बिल्कुल साइलेंस में इसका। इसको स्टार्ट रहने देते हैं, अब अपनी वाली क्लासिक को स्टार्ट करते हैं, और भाई अब इसकी आवाज़ सुनना, इसको करते हैं स्टार्ट। ये देखो भाई आवाज़, अब आपको किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है, मैंने बिल्कुल कैमरा बीच में रखा हुआ है, इसकी या इसकी, और एक्सेलरेट करूँ मैं, अलग सी वाइब्रेशन, अलग सा ही पंच, हम भाई फ़र्क दिख रहा है, तुम दोनों में रेस देना ज़रा,
पीछे से आवाज सुनाता हूँ मैं, साइलेंसर होगी इधर से दो, बीच में से दोनों में एक साथ देना। ये देखो बिल्कुल अलग सी आवाज है भाई। कवर अप करने की ये कोशिश कर जरूर रही है, लेकिन जो थंप इसका है वो इसके अंदर मिस आउट आप करोगे, हमेशा करोगे। ये देखो कितनी कांप रही है, ये देखो उछल रही है पूरी, दिख रहा है आपको ये हेडलाइट देखो। और ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, मतलब जे सीरीज इंजन में ये तो है कि वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जब ये 60 70 80 पे भी चल रही होती तो ऐसा लगता है कि हम एक नॉर्मल बाइक चला रहे हैं। बट जब इसको चलाते हैं और जो फील आता है ना चलाने का, वो तो भाई बिल्कुल ही अलग है। तो अब इसको यहाँ से करते हैं बंद और इसको भी कर देते हैं बंद। तो यही थी इन दोनों की आवाज़, यही थे इसके इंजन, यही था एक छोटा सा कंपैरिजन। तो ये दोनों क्लासिक में आपको ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक और आपके इस चैनल को ना सब्सक्राइब। मिलते किसी दूसरी वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग से किसी टॉपिक पर और फ्रेश फ्रेश इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।